नमस्कार, आई एम डॉक्टर मधुकर भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, आकाश हेल्थ केयर, न्यू दिल्ली, द्वारका. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एपिलेप्सी, इट्स कॉजेज, इट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट. मिर्गी के कारण बहुत सारे होते हैं, दिमाग में ट्यूमर होने से, टीबी होने से, गांठ होने से, सिस्ट होने से दौरा पड़ सकता है. जब भी दौरा पड़ता है, दिमाग का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा करंट फायर करता है और दौरा पड़ जाता है. अगर टाइम से इसका इलाज कराएं तो मिर्गी 80% मरीजों में क्योर हो जाती है. बहुत सारी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर सही डोज में, सही मात्रा में, सही दौरे के लिए दी जाए तो इलाज यूजुअली सक्सेसफुल होता है. 10 में से 2 या 3 मरीज, दैट इज़ 30% ऑफ द पेशेंट्स, जिनमें 2 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है और फिर भी दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उनको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी. ऐसे मरीजों को यूजली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. ऑपरेशन किया जाता है, दिमाग के उस हिस्से को काट के निकाला जाता है जहाँ से दौरा उठ रहा है. वो 30% मरीज़ भी ऐसी सर्जरी से नॉर्मलाइज हो जाते हैं और दौरे की दवाइयाँ या तो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं या फिर बंद हो जाती हैं. थैंक यू.